So what's up everyone, welcome to most massive YouTube channel. Welcome to Good Noid guys, welcome to and guys welcome back to another reaction video. मेरे को just अभी currently मेरे को Instagram पे just अभी किसी ने randomly मेरे को एक video भेजी है जो है मल्लिका सिंह की कोई new interview की एंड उनके न्यू शो जो आ रहा है प्रचंड अशोक उसी का कोई न्यू इंटरव्यू है. मल्लिका सिंह का लुक भी शायद से उसमें जो थंबनेल लगा हुआ कुछ अलग सा ही है. सो, उसमें मेरे को नीचे मेंशन भी हो रखा था कि भैया इसमें प्लीज इसको देखो कि मल्लिका सिंह कैसे आंसर्स नहीं दे पा रही. मल्लिका सिंह को सुमेत की याद आ रही है. तो भाई ऐसी आप बातें कर रहे हो बट मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा उसका स्क्रीनशॉट. लेकिन मल्लिका सिंह इस इंटरव्यू में ऐसा क्या कर रही है जो उन्होंने ऐसे मेरे को बोला कि मल्लिका सिंह सुमेत को याद कर रही है. भाई मेरे को लगता नहीं ऐसे कुछ होगा बट लेट्स सी. एंड गाइज मैं आपसे एक थोड़ी सी हेल्प मांगना चाहता हूँ गाइज. जैसे मेरे को ये वीडियो इंटरव्यूज के लोग भेजते हैं इंस्टाग्राम पे साइड में आईडी आई रही है. सो मैं चाहता हूँ गाइज जैसे जियो सिनेमा पे आएगा न्यू शो तो क्या गाइज आप मेरे को ये प्रॉपर जो शो आएगा उसकी जो क्लिपिंग्स होगी मल्लिका सिंह की क्या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो सो दैट मैं इसको रिएक्ट कर सकूं एंड आपके साथ मैं भी इसको एंजॉय कर सकती हूँ यूट्यूब पे. सो छोटी सी एक ये हेल्प अगर आप मेरे कोई भी कर सकता है थैंक यू सो मच. आज मैंने एक न्यू रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे मल्लिका सिंह के ऊपर कि आपने देखी नहीं अभी तक जल्दी से आके देख के आओ गाइस वाली रील. सेट्स टीवी कैसे विश करता है मल्लिका सिंह को भाई मतलब क्या विश करा है सब वो वहीं जाके देख के आओ. यहाँ थोड़ी बताऊंगा सब कुछ. जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर दो गाइस 100K पे आपको पता ही गाइस क्या होने वाला है एक सुपर व्लॉग विद योर मल्लिका सिंह मतलब आप ही की है यार हम सबकी है मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा विद माय मल्लिका सिंह आप सबकी मल्लिका सिंह के साथ. एंड जो भी कोई भी दिल्ली से रहता होगा दो चार लोग मैं उनको बुला भी लूंगा ताकि वो भी मिल ले मल्लिका सिंह के एंड मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा मल्लिका सिंह के साथ दिल्ली घुमाएंगे यार मल्लिका सिंह को. सो वो होने वाला है 100K स्पेशल वीडियो पे. जल्दी से करा दो गाइस ज्यादा दूर नहीं है आप करा सकते हो जल्दी से. सो जल्दी से लगा दो ये वाला इंटरव्यू एंड लेट्स गो. नॉर्थ इंडिया में हो गई है बहुत ठंड. ये है अशोक प्रचंड. आई एम अर्स यादी वेलकमिंग यू टू फिल्म विज्ञान. हाउ आर यू गाइस. मल्लिका सिंह का लुक वेरी वेल. लुक तो अच्छा लग रहा है यार. द वॉइस इज वेरी लो. व्हाट इज ग्रेट. यू आर वेरी टायर्ड. मेबी यू कैन से दैट बट आई विल ट्राई स्पीकिंग मोर लाउडर देन. आई लव बोथ ऑफ यू सो आई एम ऑल ओके विद दैट. लेकिन जब भी कुछ नया होता है वी डू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट. सो बिकॉज आई हैव सीन द अदर शोज ऑफ योर्स सो जनता भी वो देख रही है सोच रही है कि अच्छा कब वापस आ रहे हैं लोग और क्या कुछ नया होने वाला है. तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द जनता फॉर दीज काइंड ऑफ. भाई ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं कह सकते बस इतना है कि हम अपना 100% दे रहे हैं तो आप भी उतना सपोर्ट दिखाइएगा. आपको पसंद आए तो ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिएगा. मुझसे अपने आप से बेसिकली. यस ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड इन अ स्पेशल पोस्चर्स गिवन टाइप्स के आपका हाथ तब से ऐसे ही है. तो इज इट रियली डिफिकल्ट और इट इज ओके एंड नाउ यू आर आप घर में भी ऐसे तौलिया भी ऐसे लेकर ही शुरू कर दिया आपने रखना. इफ आई वुड डू दैट माय मॉम वुड स्मैक मी 3 टाइम्स टू संडे बट नो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल एक्चुअली इट्स अ लॉट ऑफ फन. लुक द होल पॉइंट इज हम लोग प्ले करते हैं. वी आर प्लेइंग. वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स. Play. So this is a lot of fun. Playing a king is genuinely a very fun experience. Playing a warrior who can kill 50 people at one go is a wonderful experience. Being in love with a pretending to be in something you can't do in real life that you're getting to do on the show at all. As a matter of fact, funny बन रहा है guys. यही बात कल शेयर की थी कि यार going back home is more hard hitting than before. Filmy ज्ञान. Because being a king for 12 hours and then coming back home and being a regular Joe. Is not as much fun as it looks like, but yeah. But you can have personal dasi. जब कैसे अंगूर खिलाएं आप घर पर जाएं bed पे लेटे हुए. I wish ऐसे दासियाँ होती जो मुझे अंगूर खिला रही होती. Right now, mama बोलती खुद से खाओ. What's up with you? How difficult it is for you? आपको तो खैर आदत हो गई होगी है ना? सब यही बोलते हैं आदत हो गई होगी. राधा राधे. ऐसा नहीं होता है, but I am happy with my costume and my jewelry.
But it is, I believe it is light because I can sense the fabric and stuff. Yeah, it is light and it is comfortable. Also, it is very beautiful because आपको Insta के लिए खुद की pictures मिल जाती हैं daily. वो तो है. है ना? ये फायदा होता है कि आप Insta पे मलिका सिंह डालती नहीं है कुछ. ये सारी चीजें गलत है. लेकिन एकता कपूर का जब नाम जुड़ता है तो lavish चीजें जो हैं वो साथ में add on होती हैं. How big responsibility you are considering it as as normally show तो है ही लेकिन एक नाम भी जुड़ा हुआ. Of course, वो responsibility भी साथ साथ आती है. How do you see this वाली thing? मैं नहीं देखता इससे बिकॉज दैट वुड मीन गिविंग दैट वुड मीन दैट आई वुड हैव गिवन लेस इंपॉर्टेंस टू माय प्रीवियस शोज. तो वो नहीं होता जितनी देखिए मैंने अपना काम जो आज तक किया मैंने क्या किया मैंने अपने आप को लिमिट किया इन द सेंस कि मैं अपने काम को कितना ऑनेस्टली कर पाऊँ इस कैरेक्टर को कितना अच्छे से समझ पाऊँ पोर्ट्रे कर पाऊँ एंड एंड लास्ट में अभी एक नया कैटेगरी मैंने डाला है उस लिस्ट में विच इज कितना एंजॉय कर पाऊँ अपने आप को बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे लुक इट्स नॉट गोना लास्ट फॉरएवर आई एम गोइंग टू आई एम हियर लेट मी हैव फन विद इट एज वेल राइट सो या द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स द सेम फ्रॉम ऑल द शोज दैट जस्ट ऑनेस्टली डू योर वर्क एंड या यू प्रे फॉर द बेस्ट ऑब्वियसली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील ब्लेस्ड बिकॉज लुक कम ऑन शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन टेलीविजन इन In across all media, नाम तो सबको पता ही है. Tell me one person who wouldn't know her. She's a producer, but आम जनता उनका नाम जानती है. So it's a blessing that I'm getting to do a show for her. Yeah. Very nice. लेकिन body I can see a lot of efforts you put and you as well, right? How difficult it was for you to physically meet the character because that is also a requirement. A lot of aspiring actors do have 6 abs, but they're very abby in acting. And I'm being very blunt, I'll be trolled. But it is true that कि आपको acting के साथ साथ body is also a need nowadays. वो करना पड़ता है certain things. So how did you manage that? आपने कुछ weight lose किया या gain किया? How did you do it? No, nothing. Nothing in terms of physical. Like eat healthy, stay healthy, drink healthy. That's what I follow. Now. Speak healthy. And you? मैंने थोड़ा सा वजन ये फिर कुछ बोला. Previous character I did. टॉन्ट बाजी क्यों दे रहा है यार मलिक? I should run a lot for Vian. But अभी ये शो के लिए I have been working on because it's a requirement. But look, I enjoy working on set. Now I've gotten two loves of my life together in the same show where the show requires me to work out. So it's a fun experience. What are two loves? Acting and working on. Oh, you hoping for another? Yeah, of course. I was hoping for Karan Johar. मेरे को boy irritation हो रही है इसको देख के भाई interview जो ले रहा है जान जाते हैं because जनता is really hoping that हम प्यार देंगे वो हमेशा देती भी है और मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि इतने कट्टर फैंस एलिस्टर्स के नहीं होते जितने कट्टर फैंस टीवी स्टार्स के होते हैं एंड ऑफ कोर्स टाइप कास्टिंग पीपल इज़ अ बिग थिंग मुझे लोग खुद भी कर देते हैं जर्नलिस्ट भी टाइप कास्ट होते हैं एक्टर्स भी होते हैं अरे टीवी का है बॉलीवुड ऑलरेडी कैसे कर पाएगा ओवर एक्टिंग ना कर दे OTT का टीवी इतना लंबा कर पाएगा कि नहीं वो सारी चीज़ें हैं लेकिन इन सब के बीच आपने अपने हौसला बुलंद रखा और इतने लंबे अरसे तक यू आर रूलिंग इट So, message to the janta, क्या मस्त सेटअप किया मैंने, है ना? The message to the janta would be that as we हम लोग दोनों साथ में मिलके honestly अपना काम करेंगे हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी honestly अगर आपको नहीं पसंद आए unfortunately that's a terrible thing but अगर पसंद आए give us your love share your sincerity with us and कब आ रहा है हमारा show by the way? हमारा show आ रहा है 6th Feb को रात 10 बजे ये स्क्रिप्टेड है ऐसा पता है उनको भी बट ये ऐसा जानबूझ के करने था मंडे टू फ्राइडे एंड हमारे शो का नाम है प्रचंड अशोक प्लीज देखिएगा जरूर आपको बुरा नहीं लग रहा आपका नाम नहीं है कहीं शो के नाम में मुझे क्यों बुरा लगेगा मैं खुश हूँ प्रचंड अशोक हमारे हिस्टोरिकल इतने बड़े वॉरियर की स्टोरी है आई एम अ पार्ट ऑफ इट दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी वाओ ग्रेट आंसर का मैसेज टू जनता कि बस देखिए दोनों की तरफ से दिया व्हाई डिड यू से नो टू बिग बॉस because honestly I'm not looking for that right now I'm looking if the offer does ever come my way it's a very simple thing I would rather write dekhi main likhta bhi hu main produce bhi karta hu main director bhi hu so jab main acting nahi kar raha hu mere dimag mein yahi chalta rehta hai ki yaar I have like 7 or 8 massive ideas massive when I tell you the films meri short film took me 2.5 years it's still not done yeah because it requires work what I've realized so I would rather take that time and put it into my babies which are my 6-7 ideas koi aisa reason nahi hai but bas koi reason nahi hai aisa koi baat nahi reason hum aapko articles mein batayenge aap tab tak dekhte rahiye film vegan kamal andaz se thank you so much guys
मलिका सिंह भी बिग बॉस में आई थी बट रीजन नहीं दिया मलिका सिंह ने. बट यार क्या इसमें ऐसा कुछ सुमेध का तो कुछ मेंशन हुआ ही नहीं है यार. ऐसे झूठ तो मत बोला करो गाइस. जो मेरे को ऐसे वीडियो भेज रहे हो आप वहाँ मैं इंटरव्यू देख लेता वैसे भी. बट ऐसे मत लिखो कि इसमें मलिका सिंह को सुमेध की याद आ गई. तो यार ये सब चीज़ें क्या बोलूँ. चलो छोड़ो यार इंटरव्यू मैंने देख लिया है गाइज. एंड इसमें मलिका सिंह का रोल तो हमें जैसे पता ही है यार. एज अ राजकुमारी है वो एंड ये किंग है भाई. तो अच्छा शो होने वाला है यार. मतलब वॉरियर्स लड़ाई ये सब होगा सब कुछ होगा मजा आएगा देखने में. बाकी यहाँ रही बात इंटरव्यू की तो मेरे को भी ऐसा थोड़ा लगता है. हाँ यार मलिका सिंह नर्वस होती है लेकिन यार नर्वस होना और एक जो इंटरव्यू ले रहा है यार वो और मजे लेना तो ये चीज ना नर्वसनेस को और इंटू 10x कर देती है. मतलब और बंदा नर्वस हो जाता है और आंसर ढंग से खुल के नहीं दे पाता. लेकिन स्टिल गाइस मलिका सिंह मलिका सिंह है. मलिका सिंह ने फिर बढ़िया से बढ़िया आंसर दिए आपने देख लिया होगा उसको. एंड जो भी था इंटरव्यू मैं देख चुका हूँ. शो आने वाले 6 फेब को गाइस. एंड मैं फिर से बोलना चाहता हूँ गाइस इंस्टाग्राम पे रील मैंने डाली है लेटेस्ट मलिका सिंह के लिए. एंड प्लीज कोई भी मेरे को अगर वो शोज की क्लिपिंग्स अच्छे से रिकॉर्ड करके मेरे को DM या मेल कर सकते हैं मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो. मैं बता दूंगा कैसे कैसे प्लीज मेरे को आप भेज सकते हो. एंड ऑल्सो जल्दी से 100K कराने गाइस सब्सक्राइब कर दो. अगर भूल गए हो तो जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दो बिकॉज तभी तो गाइस मैं 100K पे मलिका सिंह को दिल्ली बुलाऊंगा एंड एक व्लॉग बनाऊंगा. आप नहीं चाहते कि मलिका सिंह को दिल्ली घूमता हुआ देख. ये मलिका सिंह फैंस क्या कर रहे हो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में. एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइज यल्ला योर